चीनी सामान का यहाँ हमने जलाया है और चीनी सामान का हमने बॉयकॉट किया है। चाइना के साथ में जो एग्रीमेंट किया है उसका नतीजा है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। मुंबई में आज चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लोगों ने विरोध में चीनी सामान को तोड़ डाला, साथ ही चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी बनाकर जलाया गया। जब से चीन के झड़प में जवान शहीद हुए हैं तब से ही देश के अलग अलग हिस्सों से चीन के सामान को बहिष्कार करने की मांग लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि चीन के झड़प में जवान शहीद होने के बाद से लोगों में गुस्सा फूटा है और इसी गुस्से के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। मुंबई में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, सुनिए RPI अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने विरोध में क्या कहा है। चीनी सामान का यहाँ हमने जलाया है और चीनी सामान का हमने बॉयकॉट किया है और हमने यहाँ जताया है और चाइना का हमने जाहिर निषेध किया है। हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब इस देश के मंत्री है और उनके आदेश के अनुसार हमने यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया है और हमारे नरेंद्र मोदी साहब का हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारी जो मिलिट्री है, हमारे जो जवान हैं, जो शहीद हुए जवान है, उनको हम मान वंदना यहाँ हमने दी है और हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ में है और कांग्रेस वाले ने जो गलती की है, चाइना के साथ में जो एग्रीमेंट किया है उसका नतीजा है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप एग्रीमेंट की स्टडी करो, आप लिखाई पढ़ाई करो, आप देश की हिस्ट्री जानो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई लिखाई करो तो आपको देश का इतिहास पता लगेगा। और ये कांग्रेस वाले ने जो एग्रीमेंट करके रखा है उसके बदौलत ही आज हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो शहीद हुए उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनको मान वंदना देना चाहता हूँ और चीन का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।